यहाँ पर भी हम देख रहे हैं स्विच स्टेटमेंट को एक और नए तरीके से इंटीजर के साथ एक्सप्रेशन के साथ कैसे यूज करते हैं। न्यू फाइल ले लेते हैं और फिर से अपना बुनियादी कोड आप हमेशा याद रखेंगे, इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी और इंटीजर मैन, और यहाँ पर ले लेंगे हम इसका ब्रैकेट सी आउट एंड लाइन सिस्टम पास, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसे कर देंगे और रिटर्न कर देंगे यहाँ पे जीरो को, ठीक है। यहाँ पे सेव कर देते हैं क्लास 18 और यहाँ पे कह रहे हैं स्विच स्टेटमेंट विद इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर भी लिटरल होना चाहिए केस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं अपना एक मेन्यू बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सी आउट कर दिया, लेंथ यहाँ कर दिया, तो हमने कह दिया सपोज टू बी ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर और तक शॉप लिख दिया हमने, ठीक है, ऑनलाइन तक शॉप और आगे ले लिया हमने न्यू लाइन प्लीज मेक योर ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं और यहाँ पर जाके हमने फिर यहाँ पे एंड लाइन भी लगा दिया, ठीक, ये हो गया हमारा। तो इस तरह से ही हमें नजर आ रहा होगा ऑनलाइन टक शॉप प्लीज मेक ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एक मेन्यू बना लें आप सी आउट लेस देन या डबल कट 1 1 4 क्या है। अब मिसाल के तौर पे 1 4 है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और इस तरह का ऑर्डर आपने बना दिया और आगे आपने उसका प्राइस भी लिख दिया ₹50, ठीक है। इसको मजीद अगर हम ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद इसको और आगे कंटिन्यू करना है आपने तो एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एंड लाइन लगा दें तो इस तरह कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर लें, यहाँ पे रख के इसको दोबारा से पेस्ट और फिर से यहाँ रख के इसको पेस्ट, फिर यहाँ से रख के इसको यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट, ठीक है। तो 2 4 क्या करना है अब आपने डिसाइड कर लें, यहाँ पे 2 3 4 क्या करना है एंड देन 4 4 क्या करना है। तो कोल्ड ड्रिंक की जगह हमने यहाँ पे बना दिया सपोज मैंगो जूस और यहाँ पे उसको हमने कर दिया 150, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे बना दिया ऑरेंजेस का जूस यहाँ पे हमने 250 का कर दिया उसको, फिर हमने यहाँ पे बना दिया मिल्क शेक और यहाँ पे हमने उसको कर दिया 350 का, ठीक है। ये प्राइस हमने यहाँ पे इस पे लिख दिए और इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये इस तरह से हमें दिखने वाला है। और अगर आपको याद हो तो हमने कुछ और फंक्शंस भी यूज किए थे कॉलम्स को रीडिफाइन करने के लिए, सेट डब्ल्यू फंक्शन यूज किए थे जिसमें हम उसके कॉलम्स वगैरह को सेट कर रहे थे। तो अगर आप वो भी फंक्शंस को यूज करना चाहें तो उसके लिए आयो मैन आईपी की फाइल को आपको यूज करना होगा ऊपर की तरफ और यहाँ पे आप सेट डब्ल्यू को बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। तो लेस देन आएगा इधर सेट डब्ल्यू और फिर ब्रैकेट्स कितने कॉलम्स आप इसके लिए यूज करना चाह रहे हैं 30, तो फिर ये आगे आपके सामने ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको सेट डब्ल्यू को कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे जाके इसके साथ पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया और ये रन कर दिया, ठीक है। तो अलाइनमेंट इनका भी किस साइड पर है, राइट साइड पर है, तो इस तरह नजर आ रहा है। अगर आपको अलाइनमेंट लेफ्ट करना है तो क्या करेंगे, सीखा था हमने आगे क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे इसको लेफ्ट साइड पर, बस एक दफा ही करेंगे तो वो सारा डेटा नीचे वाला ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड जाएगा। तो देखें अरेंज हो गया आपका डेटा। तो इस तरह जब हम चीजें सीख रहे होते हैं तो प्रोग्राम में उसको ऐसे इंक्लूड भी कर रहे होते हैं। तो प्लीज मेक ऑर्डर और 1 2 3 4 अब इंटर चॉइस करेंगे तो यहाँ पर करेंगे हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो अब वेरिएबल ले लें, चाहे यहाँ ले लें ऊपर ले लें वो मसला नहीं है, इंटीजर करके एक वेरिएबल ले लिया ऑर्डर के नाम का, इनिशियल वैल्यू उसकी हमने जीरो कर दी और यहाँ पे जाके सी इन करके अब यहाँ पे लिखेंगे प्लीज मेक ऑर्डर कहाँ, प्लीज मेक ऑर्डर कहाँ आ रहा है, तो प्लीज मेक ऑर्डर ऊपर आ रहा है, अच्छा तो यहाँ पे ले लेते हैं एंटर ऑर्डर। यहाँ से हमने एक न्यू लाइन के ऊपर ले लिया और एंड लाइन करके और एंटर ऑर्डर लिखना है, एंटर ऑर्डर
ठीक है, नंबर ऑर्डर नंबर लिखेगा वो अपना, और यहाँ पे चॉइस दे दी हमने फिर से स्टेटमेंट को ओवर किया, सीन करके लेस देन करके ऑर्डर के अंदर इनपुट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्टेटमेंट प्रोग्राम की क्लियर है, तो यहाँ पे सी आउट, अच्छा एक्सट्रैक्शन पॉइंट लगेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से रन पड़ा प्रोग्राम, और यहाँ पे हम 1, 2, 3 जो भी इनपुट करेंगे वो हमारा उसके हिसाब से बनाएगा आगे। तो अब चलेंगे स्विच स्टेटमेंट के काम की तरफ। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले स्विच, और स्विच के अंदर क्या डाल देंगे, ऑर्डर डाल देंगे, शाबाश। उसके बाद हम यहाँ पे इसके स्विच का बॉडी बनाएंगे, ठीक है। और जब स्विच की बॉडी बना लेंगे तो यहाँ पर आके यहाँ पे जाएंगे और हम लिखेंगे केस, ठीक है। अब केस हमारा जब इंटीजर कोई भी लिटरल डालेंगे तो वो भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट लिटरल होना चाहिए इंटीजर, लेकिन उसमें आप विदाउट सिंगल कोट यूज करेंगे उसको, क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है। उसके आगे कॉलन लगा देंगे और उसके आगे दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो ब्रेक स्टेटमेंट आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर आप जो भी परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम थोड़ा सा प्रोग्राम को और इन्हांस करें, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जो है एक और भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर qnty असाइनमेंट 0, और यहाँ पे एक इनपुट और ले लेंगे फिर हम अगली लाइन के ऊपर, और उस इनपुट पे ले लेंगे एंड लाइन एंटर, ठीक है। तो सी सी इन करके, सी इन करके यहाँ पे क्यू एन टी वाई के अंदर इनपुट ले लेंगे। और अगर दोनों को एक साथ लेना चाह रहे हैं तो भी आपको तरीका पता है, ठीक है ना, सी इन के साथ दोनों को लिख देंगे, एक दे के दूसरे का इनपुट ले लेगा, तो दोनों को एक साथ ले सकता है, लेकिन यहाँ बेहतर रहेगा कि पहले वो प्राइस डाल दे फिर उसकी क्वांटिटी डाल दे, ठीक है, ये आसान रहेगा, यूज़र का एक्सपीरियंस इस पर ईजी रहता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, तो यहाँ पर अब हम क्या करना है कि भाई यहाँ पे एक मैसेज लिखते हैं यॉर्डर। तो यहाँ पर अभी हम जब मैसेज लिख रहे हैं तो उससे पहले हम यहाँ पे दो दफ़ा एंड लाइन दे देते हैं, सी आउट एंड लाइन, ताकि थोड़ा सा जो हमारा अगला टेक्स्ट है वो न्यू लाइन पर थोड़ा सा नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, अच्छा योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड फॉर, अब फॉर किसके लिए हुआ है, मिसाल के तौर पे उसने अगर कोल्ड ड्रिंक के लिए प्लेस किया है तो कोल्ड ड्रिंक के लिए फॉर कोल्ड ड्रिंक लिखा हुआ आना चाहिए और दीगर चीजें इसके सामने आनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक इस तरह से लिखा हुआ आ जाए इसके आगे। और फिर एक और स्टेटमेंट हमें यहाँ पे करवाना है, वो ये करवाना है, यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं टोटल, सही है, और यहाँ से इसको इनिशियल वैल्यू 0 कर देते हैं, और यहाँ पर आके हम ले लेते हैं टोटल असाइनमेंट और क्यू एन टी वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, ऑर्डर के साथ, नहीं नहीं कोल्ड ड्रिंक के प्राइस के साथ कर देंगे ना, 50 रुपीज, इस तरीके से। कोल्ड ड्रिंक कितने की आपने शो किए थे, तो किससे करेंगे, 50 से, 50 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 2 होगी तो 100 आ जाएगा, 1 होगा तो 50 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये केस 1 बन गया आपका, ठीक है, अच्छा बस उसके बाद यहाँ पे एंड हो जाएगा ये। तो इसके आगे भी हम एक थोड़ा सा न्यू लाइन लगा देते हैं, ओके। अब यहाँ पे केस 1 हो गया, कॉपी कर दें इसको यहीं से, और ब्रेक स्टेटमेंट भी इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पेस्ट कर दें। यहाँ पर हम करेंगे केस 2 फॉर कोल्ड ड्रिंक के बाद क्या था हमारे पास, मैंगो जूस, तो मैंगो, और यहाँ पे हमने ले लिया JUICE जूस, और यहाँ पर हमने इसको बना दिया सी के, और मैंगो जूस हमने 150 रुपीज़ का रखा है इसमें, ठीक है, बाकी प्रोग्राम हमारा ऐसे ही रहेगा, पेस्ट कर देते हैं। फिर आ जाता है फॉर ऑरेंजेस जूस, ऑरेंजेस जूस, तो यहाँ से हम इसको दोबारा से JUICE जूस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 250 का। देखिए प्रोग्राम जो आप चला रहे होते हैं उसके पीछे प्रोग्रामर कितना काम करता है, मतलब वो सारे डिफिकल्ट टास्क कर देता है, आप जस्ट क्लिक करते हैं वो परफॉर्म हो जाते हैं, तो आपने भी फ्यूचर में यही करना है। तो इसलिए जितना ज़्यादा प्रोग्राम आप डिटेल्ड लिखेंगे उतना ही आपका आउटपुट जो है वो बेहतरीन रहेगा, और यूज़र एक्सपीरियंस को भी जहन में रखना है।
तो यहाँ पे क्लिक करके 4 रुपये कर दिया आपने इसको, और अब ये हो जाएगा आपका कौन सा जूस, मिल्क शेक। और मिल्क शेक तो मिल्क शेक कर देते हैं, मिल्क शेक। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया वो, कितने का मिल्क शेक हमारे यहाँ भाई, और ये जूस 250 का था, तो 150, 50, 250, 350 का था मिल्क शेक, यहाँ पर ये आ गया। ओके, अब डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट डिफॉल्ट में जाके हम बता रहे हैं कि भाई आपने अब ये करना है, यू डिड नॉट प्लेस एनी ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यू डिड नॉट कंफर्म एनी ऑर्डर। ठीक है, तो ये लिखने के बाद हमने एक एंड लाइन लगा दिया इसके आगे, और यहाँ पे टोटल को दोबारा से हमने क्या कर दिया, हाँ अभी करेंगे ना आखिर में, जब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्विच से बाहर आएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट लेस देन टोटल, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट लिख के आगे यहाँ पर टोटल की वैल्यू को लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से दिखा देंगे, उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब उसने क्या मतलब टोटल की जो वैल्यू है वह आ जाएगा, टोटल अमाउंट ये हो गया। ठीक है, और ये इस तरह से लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पर हम इसका एक एंड लाइन लगा देते हैं। तो यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी कह रहा है बिफोर कि यहाँ पर ये है डिफॉल्ट के आगे कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, प्रोग्राम रन हो गया हमारा, 1 2 3 4 आ रहा है। अब चॉइस हम दे रहे हैं 3 के ऊपर, तो क्वांटिटी पूछ रहा है 2, तो योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस फॉर ऑरेंज जूस, टोटल अमाउंट 500। ठीक है ना, सही है। और इसी तरीके से आगे हम फिर रन करते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पे 2 चॉइस ले रहे हैं, क्वांटिटी हमने 4 पीस लिखा, तो योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस फॉर मैंगो जूस, और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ रहा है 400, 600 आ रहा है इधर से। और यहाँ पर कोई भी हम ऐसे गलत चॉइस डाल देते हैं, सपोज टू बी, और यहाँ पे लिखा यू डिड नॉट कन्फर्म एनी ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह स्विच स्टेटमेंट को हम ये दोनों तीनों तरह के टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये इसका एक बेहतर यूटिलाइजेशन है। ठीक है।